कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्यूगल कैविटी और टीथ। ब्यूगल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होंगे, बोलने को तो सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके पास पेयर्स में, और टंग, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ आप देख सकते हैं इसी पार्ट को, ये नोज नेजल फेस रहा, नेजल पैसेज, और नेजल फेस नोस्टल्स के बाद जो कैविटी आती है उसे हम नेजल पैसेज बोलेंगे। माउथ के बाद जो पैसेज आएगा उसे हम ब्यूकल कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूकल कैविटी। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ब्यूकल कैविटी में जनरली होता क्या है, हम फूड इंटेक करते हैं, फूड इंटेक के बाद मैस्टिकेशन होता है बाय द टीथ, उसके साथ हम सलाइवा ऐड करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से निकलते हैं और सीधे आके हमारे माउथ में पहुंचते हैं थ्रू सम डक्ट्स। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर च्यूइंग बोलस निकलता है, और बोलस जाता है यहाँ से ओएसोफेगस तक। ओएसोफेगस से बचने के लिए हमें एपिग्लॉटिस दिया रहता है। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, और वो फ्लैप ग्लॉटिस नामक एक पैसेज को प्रोटेक्ट करता है। वो पैसेज जाके लंग्स को लगता है और ख्याल रखता है कि कोई फूड या फिर कोई ड्रॉपलेट या फिर कोई भी फॉरेन चीज़ हमारे लंग्स में न जाए सिवाय एयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, देखिए हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं वो पेयर्स में आते हैं। क्या बोले? पेयर्स का अर्थ है, मैं अब आपको बताऊँगा कि पेयर्स में कैसे आते हैं। देखिए, एक सलाइवरी ग्लैंड उनमें से एक है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो ठीक इधर होता है हमारे कान के पास, ये वाला जो पार्ट होता है ठीक इसी जगह पर होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। आपको आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा पेयर किधर होता है? इधर होता है, जस्ट बिलो द टंग। टंग को हम लिंग्विस्टिक चीज़ बोलते हैं, वहाँ से लिंगुअल से डिराइव हुआ है हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड। ये थोड़ा सा छोटा होता है पैरोटिड ग्लैंड, आप याद रखिए सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और पेयर्स में आता है, तीनों के तीनों पेयर्स में आते हैं। ये होता है हमारा सब लिंगुअल, और इसके बाद आता है सब मैंडिबल। मैंडिबल क्या बोलते हैं बेटा? देखो, ये जॉज हमारे होते हैं उसी को मेडिकल टर्म्स में हम मैंडिबल बोलते हैं। एक होता है अपर जॉ, ओके, जिसे हम जॉ को मैंडिबल भी बोल सकते हैं। ठीक उसी के नीचे लोअर जॉ होता है, उसे हम लोअर मैंडिबल भी बोल सकते हैं, ओके। तो मैंडिबल यानी आपका जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोनी जॉ होता है उसके नीचे रहना। तो ये जो सब मैंडिबुलर या फिर सब मैंडिबल को सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, वो जो ग्लैंड होता है वो भी इसी नेम से डिराइव हुआ है, इसे हम सब मैंडिबुलरी ग्लैंड बोल सकते हैं। अब बात यह है कि ये लोग सलाइवा और सारे एंजाइम्स इधर टंग के पास, माउथ के पास लेते कहाँ से हैं? दे गो थ्रू अ डक्ट। देखिए, डक्ट यहाँ से आता है, लिंगुअल से यहाँ से आता है, देख पा रहे होंगे, और मैक्सिलरी से यहाँ से आता है। तो इन डक्ट्स का नाम क्या है? देखिए, ये सब डक्ट्स स्पेशल होते हैं। यहाँ पर आता है हमारा स्टेंसन्स डक्ट। अब ये किसी नाम से डिराइव नहीं आया हुआ है, जिसने इसे ढूंढा उसी के नाम पर इसको बताया गया है। और ये है वीर्स, ये वाला देखिए, ये रिवीनस डक्ट है, और फाइनली इधर आता है वार्टन्स डक्ट। ये किसी नाम से डिराइव नहीं हुआ है, जिसने इसको ढूंढा है उसी के नाम पर रखा गया है। तो याद रख लीजिए, सब मैंडिबुलर से निकलता है रिवीनस, सब लिंगुअल से निकलता है वार्टन्स डक्ट, और स्टेंसन्स डक्ट निकलता है पैरोटिड ग्लैंड से, और ये सब सलाइवा हमारे मुंह में छोड़ते हैं। अब पेयर्स कैसे होता है? देखिए, ये मैंने आपको एक ट्रांसवर्सनल सेक्शन दिखाया है हमारे हेड का। अब इस स्कल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लैंड्स कहाँ पे आएंगे? देखिए, इधर एक ग्लैंड आएगा, ओके, पैरोटिड, एक पेयर इधर आएगा, एक पेयर इधर आएगा, जस्ट अबव द ईयर मैंने आपको बोला था, सब लिंगुअल जस्ट लंग जो टंग के नीचे एक इधर आएगा,
एक और इधर आएगा, आई थिंक इट्स विजिबल, मैं इसको और क्लियर बनाता हूँ, एक इधर आएगा टंग के नीचे, और जो सब मैंडिबुलरी वो मैंडिबल के नीचे आएगा, ऐसा मतलब नहीं नेक पे आएगा, जस्ट इधर, ओके, आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल, ओके। तो यही बात है जब हम बोलते हैं कि पेयर्स में कैसे आता है, यू नो दी होल हेड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, होमोलोगस पार्ट्स, तो वो एक पार्ट में एक ग्लैंड रहता है और जब दोनों मिल जाते हैं तो पेयर्स होता है। अब बात आती है कि सलाइवरी जूसेस में होता क्या है, वो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, फिलहाल अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट कहाँ आता है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें, टीथ में एंड में पढ़ाऊँगा, देखिए ये होता है हमारा फैरिंग्स। फैरिंग्स कौन सा पार्ट होता है, जस्ट आफ्टर द बकल कैविटी, यहाँ तक देखिए बकल कैविटी होता है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट होल इज कॉल्ड द बकल कैविटी। लेकिन यहाँ ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसे हम ब्यूकोफेरिंजियल कैविटी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो ब्यूकल कैविटी था, इधर फैरिंग्स भी आ गया ना, इधर इधर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है हम इसे फैरिंग्स बोलते हैं, तो यहाँ पर फैरिंग्स आता है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन होता है इसे हम बोलते हैं बको फेरिंजियल कैविटी, ओके, बको फेरिंजियल कैविटी। अब इधर से नेसल पैसा जाता है, इधर से ब्यूकल कैविटी आता है, और इन दोनों मिलकर जाते हैं फेरिंग्स तक, और इनके बीच जो ट्रांजिशन होता है उसे हम बोलते हैं बको फेरिंजियल कैविटी। अब देखते हैं जो मैंने बात की थी आपकी एपिग्लॉटिस की, वो एपिग्लॉटिस कहाँ तक आता है, देखिए यहाँ तक जो आप देख सकते हैं कि नेजल पैसेज और ब्यूकल कैविटी दोनों मिले हुए हैं, या फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एयर और फूड दोनों एक कॉमन पैसेज से जाते हैं, लेकिन अगर फूड हमारे लंग्स में चली जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, हम मर सकते हैं, यू कैन चोक डाउन। आप अगर जल्दी से मतलब माने घर में खाना बनाया और आप चुरा के खा रहे हो तो जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश में कई बार ऐसा होता है कि एपिग्लॉटिस ठीक से फंक्शन नहीं करता और वो थोड़ा लंग्स तो नहीं बोलूँगा मैं, ट्रैकिया में फंस जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास होता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में फ़र्क क्या होता है चलिए जानते हैं। देखिए ठीक इधर से ट्रैकिया निकलता है, ओके, दिस वन इज द ट्रैकिया, और ये रहा हमारा फूड पाइप। देखिए तो ये जो पार्ट है, ये जो ओरिफिस है इसे हम बोलेंगे ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, एक ओरिफिस है जो बकोफेरिंजियल कैविटी के बाद जो डक्ट निकलता है हमारा ओसोफेगस, उसको डिवाइड करता है ट्रैकिया और फूड पाइप में। देखिए इधर से ट्रैकिया आ गया और ये फूड पाइप हो गया, दैट इज़ द डिफरेंस, यहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट होता है। अब फूड एक अलग पैथ से जाएगा, ट्रैकिया से होकर जाएगा एयर, और फूड और एयर जो मिल के आ रहे थे वो चेंज हो जाएगा। आपने मार्क किया होगा कि खाने के समय आप कभी सांस नहीं ले सकते, आप खाने के समय ज़रूर मार्क कीजिएगा, खाने के समय आप सांस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब हम खा रहे होते हैं ये एपिग्लॉटिस इधर आके स्टक हो जाता है, जिससे कि कोई खाना अंदर ना जाए। अब ये स्टक हो गया है तो हवा भी नहीं जाएगी, इसीलिए ये एपिग्लॉटिस जो है एक फंक्शन क्या करता है, इसका फंक्शन ये है कि खाने के वक्त हमको एक मिशाप से बचाए, जो कि ये है कि ट्रैकिया में खाना ना जाए। अब देखिए ये पार्ट तो ख़त्म हो गया, मैं रेड पेन से आपको डिमार्केट करके बताऊंगा कि टॉन्सिलाइटिस, आपने सुना होगा टॉन्सिलाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या होता है जी, लिम्फॉइड टिश्यू होता है। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होता है, नहीं ये देखिए ये है एक आर्टरी और ये है वेन, दोनों एक ही कलर के नहीं होते हैं, लेकिन ये होता है आर्टरी आपका और वेन होता है। ये जो आर्टरी वेन के कनेक्शन में आप कैपिलरी, आपने सुना होगा कैपिलरीज होते हैं। अब वो कैपिलरीज इवन थिन ट्यूबल से होके जाते हैं, कैसे ना, सपोज़ ये आपका आर्म है और यहाँ पे आर्म जैसा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है आर्म के जैसे, सपोज़ यहाँ पर एक आर्टरी है और वेन्स इधर आते हैं, ओके, तो इधर क्या होगा,
फर्दर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू कैपिलरीज, स्मॉल कैपिलरीज। अब ये सारे ऑर्गन में सारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैला देगा। अब क्या होगा कि आउट ऑफ ऑर्गन्स जो सेलुलर टिश्यू होता है उन सब के बीच में कुछ गैप होता है। जैसे ही वो गैप धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर से ब्लड वेन्स की ओर बढ़ने जाता है, कैपिलरीज से पहले जो पार्ट होता है उसे हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ क्या होता है? वो पार्ट जिसमें एकदम थिन कैपिलरीज के बाद जो पार्ट आता है। ओके, सेल्यूलर टिश्यू और ब्लड वेसल में जो ट्रांजिशन होता है, ओके, जो ट्रांजिशन होता है उसे हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ में ही वो चीज़ें रहती हैं। तो इधर लिम्फ कहाँ पे होती है ना, ये फेरिंग्स में होती है। बोलता उसे हम फेरिंग्स में रहेंगे। सबसे पहले होता है, देखिए, इसे हम वॉल्डेयर्स रिंग भी बोल सकते हैं। मैं बताऊंगा कि वॉल्डेयर्स रिंग क्या होता है। ये जो पार्ट है ये होता है फैरिंजियल टॉन्सिल, फैरिंजियल टॉन्सिल। यहाँ पर एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर अगर एक और पार्ट जोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ आ जाता है ट्यूबल टॉन्सिल, और उसके नीचे आता है पैलेटाइन टॉन्सिल, फाइनली जो कि टंग से जुड़ा होता है वो होता है लिंगुअल टॉन्सिल। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि लंग जो है डिराइव, टंग जो है डिराइव हुआ है लिंग से, LINGUL, तो इसे हम लिंगुअल टॉन्सिल भी बोल सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे बनता है, ऐसे कैसे बनता है ये सब। इधर देख लीजिए, ये होता है फेरिंजियल टॉन्सिल, ओके, यहाँ पर आ जाते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, यहाँ पर आ जाता है पैलेटाइन टॉन्सिल, और ये होता है लिंगुअल टॉन्सिल। अब मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों में से पैलेटाइन और ट्यूबल ये दोनों पेयर्स में आते हैं, ओके, ये दोनों पेयर्स में आते हैं, और ये सब मिलके हमारा ओसोफेगस कैसा होता है, एक ट्यूब जैसा होता है, फेरिंग्स भी एक ट्यूब की जैसा होता है, तो एक रिंग बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग, ओके। अभी हमारा ब्यूकल कैविटी तकरीबन ख़त्म हो गया है, बस टंग बाकी रह गया है। लेकिन टंग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हमारे टीथ के बारे में बताना चाहता हूँ कि टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, और जो डेंटल फार्मूला के बारे में मैं आपको बोल रहा था वो भी अभी बताऊँगा। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास टोटली 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ओके, हमारे पास टोटली 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स। अब देखिए, हर ऑर्गेनिज्म में 4 टाइप्स के टीथ नहीं होते, ओके, और किसी के पास सिर्फ एक टाइप का होता है, किसी के पास 2 टाइप्स के हो जाते हैं, किसी के पास 3, इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्रॉपर्टी है टीथ का वेरी करना, एक ही ऑर्गेनिज्म में 4 टाइप्स टीथ है, इतना गायों में आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट क्यूबॉइडल टीथ रहेंगे जो सिर्फ च्यूइंग के काम आता है, लेकिन हम क्या है, हम ओमनिवरस है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे हेटेरोडॉन्ट। हेटेरो का मतलब आपको पता होगा, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ओके, और डॉन्ट का मतलब है टीथ, ये दोनों इसी से डिराइव हुए हैं। अब कई एनिमल्स के एनिमल्स नहीं बोलूँगा, ऑर्गेनिजम्स के टीथ स्ट्रक्चर जो हैं वो एक और चीज़ में डिफर करते हैं कि वो दी वे देर एम्बेडेड इन दिस स्कल। हमारे टीथ को अगर देखेंगे तो ये जॉ में एम्बेडेड है इन अ थिक सॉकेट। अब समझ पा रहे हैं एक टीथ कैसा होता है, देखिए ये वाला मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि टीथ ये जो है उसका क्राउन, और ये जो अंदर का पार्ट है एक सॉकेट में फिटेड है, ओके, एक सॉकेट में फिटेड है। इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ठेकोडॉन्ट। ठेको मतलब एक सॉकेट में एम्बेडेड हो जाना, और डॉन्ट मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ओके, एम्बेडेड। स्कल में देखिए, इधर तक आपको दिखा रहे होंगे ट्रेसेस, वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इनका एक पार्ट इधर भी है, इट इज़ हिडन,
इस सॉकेट में भरे हैं, इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि ये रिजेस पैदा होते हैं। आप अपने मुंह में भी उंगली डालकर देख सकते हैं, यू नो यू कैन टच, यू कैन सेंस इट कि अंदर तक घुसे हुए हैं सॉकेट। ओके, अगर आपका दांत मतलब हिल रहा होगा, किसी दिन आपने निकाला होगा खुद, तो आपने देखा होगा कि जितना दांत आपका छोटा दिखता है उतना होता नहीं, क्योंकि सॉकेट में उसका कुछ हिस्सा रहता है। टीथ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन सबको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको जो टाइप्स ऑफ टीथ्स है वो बता दूँ, ताकि मैं बाकी जो दो टाइप्स बचे उनको भी कंप्लीट कर सकूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ टीथ्स में फोर आते हैं। एक होता है हमारा इंसिसर, ओके, एक टाइप होता है इंसिसर, एक टाइप होता है बेटा, एक क्वांटिटी नहीं, एक टाइप होता है इंसिसर, ओके। लेकिन इंसिसर्स हमारे पास जनरली 8 इंसिसर होते हैं। तो आप पूछोगे कि सिर्फ इधर दो इंसिसर क्यों बताएं? देखिए, आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये हमारे मैक्सिबल या फिर एक जॉ का हाफ है। हमारे पास टोटली दो जॉ होते हैं। अब हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे और इसी से डेंटल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दो इंसिसर होते हैं, आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा इंसिसर। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद आता है हमारा केनाइन। ये जो केनाइन है ये फ्लैश को टियर करने में मदद करता है, ओके। और याद रखिएगा, ये जो केनाइन है ये डीपली जॉइंड इनटू द मैंडिबल या फिर जॉ, क्योंकि यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन में, ये एक प्लेन में, देख सकते हैं ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, लेकिन ये ठीक एक बेंड स्ट्रक्चर पे है। तो क्योंकि ये बेंड स्ट्रक्चर पे, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए ये थोड़ा डीप रूटेड है ताकि जल्दी से निकले नहीं। ये जो इंसिसर है इसका काम है कटिंग। आप जब चिकन खाते हैं तो किससे खाते हैं? इससे खाते हैं। इट कट्स फ्लैश या फिर जो भी आप खा रहे हैं इंटू स्मॉलर पीसेस। उसके बाद आता है हमारा प्री मोलर और मोलर। ये जो प्री मोलर और मोलर है यही एक्चुअल मैस्टिकेशन यानी एक्चुअल च्यूइंग यही करते हैं, ओके। अब देख सकते हैं ये रहा हमारा इंसिसर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, केनाइन। केनाइन शेरों में या फिर जो ज़्यादा कार्निवरस होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप्ड होगा। आपने देखा होगा कुत्ते तो ओमनिवरस होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें केनाइन बड़ा होता है। उसके देखिए, केनाइन टोटली हमारे 4 होते हैं। हर एक 1/4 ऑफ द जॉ में एक ही होता है, इंसिसर 2 होता है। और जो प्री मोलर्स हैं वो 2 होते हैं और जो मोलर्स हैं वो 3 होते हैं। देख सकते हैं आप, 2, 1, 2, 3, ये क्या है, कितने नंबर है? ये एक 1/4 ऑफ आवर ब्यूकल कैविटी, ओके, 1/4 ऑफ आवर ब्यूकल कैविटी, एक जॉ ब्यूकल कैविटी का आधा होता है। और उसका आधा कितना होता है? 1/4 ऑफ द ब्यूकल कैविटी। तो अब हम जानेंगे कि डेंटल फॉर्मूला यहाँ से कैसे डिराइव करते हैं, ओके। देखिए, हमने क्या बोला था कि 1/4 ऑफ ए जॉ, 1/4 ऑफ जॉ में कि जो टाइप्स थे वो कैसे थे? देखिए, 2 हमारे पास इंसिसर थे, ओके, 1 था केनाइन, और क्या थे? 2 प्री मोलर थे और 3 थे मोलर। लेकिन ये क्या था? एक जॉ का हाफ था, यानी कि एक जॉ था, ये अपर जॉ है मान लीजिए, इसका हाफ है ये फॉर्मूला। इसका मतलब अगर हम दोनों एक पूरे जॉ के बारे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 2, फाइन। लेकिन दूसरी बात यह है कि अपर जॉ का तो कर लिया, लोअर जॉ वो भी तो एक पार्ट है, तो लोअर जॉ भी ठीक उसी तरह ही होता है। 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, प्रैक्टिस कर लीजिए। डेंटल फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जानने भी चाहिए हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो देखिए, इसमें भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि लोअर जॉ को भी हमने हाफ में डिवाइड कर दिया था, तो अपर जॉ के पूरे टीथ्स इधर आ गए, फाइन एनफ। लोअर जॉ के पूरे टीथ्स आ गए, एक काम कीजिए, ये जो 2, 1, 2, 3 हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, लेकिन टोटल टीथ कितने हैं? 2 + 1 + 2 + 3, यानी कि 3, 3, 6 × 8, और ये रहे 8 × 2 × 2 8। देखिए कितने, 8 सिर्फ 1/4 ऑफ अ ब्यूकल कैविटी, यानी कि एक जॉ के आधे में है 8, तो पूरे जॉ में कितने हो गए? 16।
नीचे के जॉ में भी 16, अब नीचे के जॉ में 16 है, ऊपर के जॉ में 16 है, तो सिंपल सी बात, सिंपल सी मैथ, टोटल बिकल कैविटी में 32 है। और ये बात क्या है बेटा, देखिए ये एक अडल्ट में 32 होते हैं, पूरे अडल्ट में 32 होते हैं, लेकिन बच्चों में केस डिफरेंट होता है, होता कि नहीं? आपने बचपन में देखा होगा कि आपके दांत जो हैं गिरने लगते हैं, तो वो मिल्क टीथ होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डेसीडियस प्रॉपर्टी, डेसीडियस टीथ। तो एक बार आपका मिल्क टीथ होता है, गिरने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टाइफायोडोंट। बेटा टाइफायोडोंट मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट अ टोटल नंबर ऑफ सेट, टोटल सेट आपको जितनी बार मिलेगा उसको फायोडोंट बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे टाइफायोडोंट। शार्क के दांत आपने सुना होंगे, शार्क के दांत जितनी दफा गिर जाए उनके फिर से ग्रो हो जाएंगे, जितनी बार वो गिरे। लेकिन ह्यूमन का वो नहीं है, ह्यूमन का पहले एक मिल्क टीथ टूटता है, उसके बाद एक परमानेंट टीथ सेट निकलता है। और वही परमानेंट टीथ भी पूरी तरह नहीं होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं 18 ईयर्स के उनके पास तकरीबन 24 होते हैं, जो होते हैं 32 ईयर्स या फिर 30 या फिर 20-24 उनके पास पूरे 32 टीथ्स होते हैं, पूरा सेट। और जो बच्चे हैं उनके पास कितने में देखिए, उनके पास तकरीबन 12 रहते हैं। ओके, जो प्री मोलर्स होते हैं उनमें ग्रो नहीं होते, इसलिए उनमें थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाता है, एंड एज़ वी बिकम एन अडल्ट हमारे पास पूरा 32 आ ही जाता है। तो डाइफायोडोंट प्रॉपर्टी क्या है, डाइफायोडोंट प्रॉपर्टी ये है कि हमारे दांत दो बार ग्रो होते हैं, दो बार ग्रो होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक नहीं, पहले मिल्क सेट जो मिल्क टीथ होता है वो सेट गिरता है, उसके बाद हम परमानेंट सेट जो है पा सकते हैं। देखिए बच्चों, वीडियो जितना लंबा होना चाह रहा था मैं, उससे थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो अगली बार नेक्स्ट वीडियो में जो टीथ है उसका स्ट्रक्चर, ओके, उसका स्ट्रक्चर और टंग का जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, उसका जो फेजेस हैं वो सब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए।